हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत परेशान हैं अपनी एक्नी से रिलेटेड, अपनी डार्क स्किन से रिलेटेड और टैन स्किन से रिलेटेड। तो आज उनके लिए मैंने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाउ टू गेट फेयर एंड ग्लोइंग स्किन नेचुरली इन जस्ट 7 डेज। मैं जो आज आपके लिए फेस मास्क लेकर आई हूँ वो टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और होम रेमेडीज हैं। आपके पास आपके किचन में ज़रूर ये दो इंग्रेडिएंट्स होंगे और आप उसको यूज़ भी करते होंगे ऑन डेली बेसिस, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आपने इसको अपनी स्किन पर भी यूज़ करना है। और जब आप अपनी स्किन पर यूज़ करेंगे तो ये आपको जितने ग्लोइंग स्किन देगा और वाइट स्किन देगा। तो देखते हैं कि ये कौन से दो इंग्रेडिएंट्स हैं। ये दो इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपकी स्किन पर एक्नी है, आपकी स्किन डार्क हो रही है, आपकी स्किन जो है वो टैन हो गई है ड्यू टू सन, तो जब आप ये दो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं मिलाकर, ठीक है, तो आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी, आपकी स्किन वाइट होती जाएगी, आपका टैन रिमूव होता जाएगा डे बाय डे, और आपकी स्किन पर जो भी एक्नी के मार्क्स हैं वो भी रिमूव होते जाएंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो ब्यूटी बेनिफिट्स हैं टर्मरिक के, हल्दी के, वो क्या क्या है। तो जो हमारे टू इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से पहला इंग्रेडिएंट हल्दी है। हल्दी जो है वो एक मिरेकल रूट है जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, लाइटन्स आपके ब्लेमिशेस करता है, जो आपके एक्नी के स्कार्स होते हैं वो लाइट करता है, कि एक्नी को फाइट करता है। अगर आपकी एक्नी है स्किन पर, आप ये यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, तो आपकी स्किन से एक्नी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, और आपके जो रिंकल्स हैं रिड्यूस करता है और आपको एक ग्लोई और वाइट स्किन देगा इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है ग्राम फ्लोर, जिसको हम अपने घर में बेसन के नाम से जानते हैं। तो बेसन के जो अमेजिंग बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन के लिए वो ये हैं कि वो ये आपकी स्किन से ऑयल को ख़त्म करेगा, क्योंकि आजकल गर्मी है, आपको पता है कि हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है। ये आपकी स्किन से ऑयल रिमूव करेगा, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, ये आपके टैन को लाइट करेगा, एक्नी को ख़त्म करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ठीक है, और आपको नेचुरल ग्लो देगा इंशाल्लाह। तो जो मेरी वीडियो है वो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि इन तमाम चीज़ों से परेशान हैं, ऑयली स्किन, एक्नी स्किन, डार्क स्किन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है हल्दी पाउडर, दूसरा आपने लेना है ग्राम फ्लोर बेसन, और साथ आप ले सकते हैं रोज़ वाटर। नहीं, अगर रोज़ वाटर अवेलेबल तो आप सिंपल पानी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने इसका पेस्ट बनाना है और इसको अपनी स्किन पे लगा लेना है फॉर 15 to 20 मिनट्स। जैसे ही आप देखेंगे आपकी स्किन ड्राई होती जा रही है, आपने इसको हल्का हल्का स्क्रब करना है, अपनी स्किन पे एक्सफोलिएट करना है और इसको वॉश कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बिफोर एंड आफ्टर स्किन जो है वो ज़बरदस्त हो गई है, स्किन ग्लो करेगी, सारे आपके जो एक्नी हैं वो ख़त्म होगी और आपके जो ब्लेमिशेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने परेशान नहीं होना, बस आपने अपनी स्किन पर ये फेस मास्क लगाना है और इंशाल्लाह आप ज़रूर देखेंगे कि आपकी स्किन पर बिल्कुल नया ग्लो आ गया है, आपकी स्किन वाइट हो गई है, आपका टैन रिमूव हो गया है। ये आप मास्क जो है वो अपने हाथों पर और पाँव पर भी यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।